चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 के तहत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 3 दिन देशवासियों को अपने घर, दुकान या कार्यालय में झंडा बांधने या लगाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सभी को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे का किसी तरह से अपमान न हो, लेकिन देखने में आ रहा है कि नागरिकों द्वारा तिरंगा झंडा घर या कार्यालय में लगाने के बाद झंडे के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। इसे न केवल राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा का बल्कि एक प्रकार से देश के वीर शहीदों का घोर अपमान ही कहा जाएगा, जिन्होंने इनकी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में क्षण भर का भी संकोच नहीं किया। ऐसे में देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह देश की शान तिरंगे झंडे का अपमान न होने दे, इस बात का गंभीरता से ध्यान रखे। खैरलांजी मुख्यालय में भारत गैस एजेंसी के ऊपर छत पर लगाए गए तिरंगे झंडे के अपमान और सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया है, जहाँ हर कोई आश्चर्य तो होगा ही, थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि कितने समझदार और शिक्षित लोग जो केंद्र सरकार के एक उपक्रम का हिस्सा हो, आखिर ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान हो रहा हो। हालांकि बाद में कुछ लोगों द्वारा आपत्ति लेने पर कर्मचारी द्वारा ध्वज को ट्यूबलाइट की राड से निकालकर लकड़ी से लटका दिया गया। इसके बाद दूसरी गलती की उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज बांधा गया था। वहां पर पहले से शराब की खाली बोतलें और बियर की केन पड़ी हुई थी, उसको हटाया तक नहीं गया। परिणाम स्वरूप जब भी हवा आती थी तो ट्यूबलाइट की राड जो फ्लेक्स को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई तार के सहारे खड़े थी, वह इधर उधर हिलती डुलती रहती, आसानी से देखी जा सकती थी। क्या लकड़ी के सहारे झंडा को न बांधते हुए एक ट्यूबलाइट के सहारे लोहे बांधने के तार से बांधा जाना आखिर कितना ठीक कहा जा सकता है। खैरलांजी से योगेश कावड़े। आपका परिचय? मैं पवन नकपुर है। मेरा स्थाई पता तो ग्राम पिंड के बाहर से है, पर लगभग खैरलांजी में 2006 से मैं यहाँ मोटर पंप का दुकान है मेरा, वेल्डिंग रिपेयर से। और मैं जब अभी पहुँचा दुकान, तो दुकान पहुँचते में देखा गया मेरे को कि भारत गैस एजेंसी के ऊपर में जो तिरंगा झंडा लगा है वो एक अपमानित जनक टाइप से लगा। मैं आया, आवाज़ दिया, कोई बोले नहीं, शायद जो भी कर्मचारी रहेंगे वो अंदर रहेंगे, क्या था पता नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने बगल भैया से कुछ बात किया, मन के भैया ये जो तिरंगा झंडा है ये थोड़ा सा अपमानजनक लग रहा है। फिर भैया से बात होने के बाद में हमने देखा, मैंने फ़ोटो भी लिया, फिर बाजू में मेरे को लगा कि भैया होना चाहिए, कावड़े भैया, तो कावड़े भैया से आवाज़ दिए, उनको बुलाए, वो भी पहुँचे यहाँ पर, उनने देखा तो सही में बहुत गलत है। उसके बाद में फिर कोई कर्मचारी आया, बोले मैं क्या कर लूँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं झंडे को संभालूँ क्या, काम को संभालूँ, ये कोई बात नहीं होती। एक झंडा होता है जिसको पाने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे देश के अमर शहीद लोग, उनने कैसे इस तिरंगे झंडे को हमारे भारत देश में लाया, फहराया। लोग ये समझते हैं कि बोले वो कोई बैलून ही समझते, और मेरा मानना है जहाँ तक मोदी जी ने जो घर घर झंडा और घर घर तिरंगा बोला है, ये पूरा तिरंगे झंडे का अपमान है। इज्जत से, सम्मान से उसको बिल्कुल सुबह के टाइम में 5 बजे चढ़ाया जाता था और शाम के 5 बजे उतारा जाता था। आज हर घर में ऐसा लगता है कि कभी टेढ़ा है, कभी मेढ़ा है, कभी पता लग रहा है कि वो उल्टा है या सीधा है। तो ये स्थितियाँ हैं तिरंगे झंडे की। कैसे इस झंडे को पाया है हमारे देश के वीर शहीदों ने, इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहे। और इस गति में अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो अभी भारत गैस में देखा, एक प्रकार से अपमान है, अपमान, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा ही अपमान है। और अगर तिरंगा को मोदी जी, अगर आवाज़ मेरी जाए तो बंद कर दे इसको, सिर्फ एक समय पे ही इसको फहराया जाए और समय पे ही इसका ध्वजारोहण किया जाए, बस यही कहना चाहूँगा। और मैं जो ऊपर आया, हाँ, और मैं बता दूँ, जब मैं ऊपर आया देखा कि ये जो झंडा है इसके पहले ट्यूबलाइट की राड से लगा हुआ था और एक छोटी सी डैनी में बंधा हुआ था, और उसके बाद जिस जगह ये झंडा लगाया गया है उस जगह में अभी भी शराब के कुछ पाव या बियर के रखे हुए हैं, और ये शायद प्रूफ है। तो मेरा ध्वजारोहण जिस जगह होता है या जिस जगह झंडा लगाया जाता है उस जगह साफ़ सुथरी की जाती है,
चलो ठीक है कि ये क्या बोलना चाहिए स्लैब के ऊपर में है, पर बट उसके बावजूद भी उस जगह को साफ सुथरी की जाती है, तो ये देखने में आ रहा है मेरा, ये भी एक तो प्रकार ये से एक प्रकार से ये और भी झंडे का बहुत ज्यादा अपमान, जो कि शराब के पबे वहाँ रखे हुए है और झंडा लगाया गया उसी जगह में, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइप से न हो। हमारे ध्वजा जो ये झंडा जो मिला है हमारे देश को, ये कम से कम इसकी इज्जत हो और बढ़िया सम्मान से इसको फहरा जाए, बस यही कहना चाहूंगा। इसके बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।